हेलो एंड वेलकम टू पूनम्स किचन। आज की रेसिपी है चॉकलेट केक। ये एगलेस चॉकलेट केक है। इसे बिना ओवन के, बिना कोको पाउडर के बनाया है। इसमें मैंने यूज़ किया है अमूल का डार्क चॉकलेट। ये अमूल डार्क चॉकलेट 65 ग्राम्स लिया है। ये केक मैंने बिना ओवन के बनाया है। इसे बनाया है कढ़ाई में। कढ़ाई में एक स्टैंड रखना है और उसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। अमूल का डार्क चॉकलेट 65 ग्राम्स है। ये डार्क चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है। एक बर्तन में लेना है 1 टेबल स्पून बटर, 1/2 कप ऑयल लिया है, उसमें डाल दिया है 65 ग्राम्स डार्क चॉकलेट, 1/2 कप शक्कर ली है और 3/4 कप लिया है दही। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अभी उसमें डालना है वनीला एसेंस। केक टिन तैयार करना है। केक टिन को पहले ऑयल से ग्रीस करके उसमें मैदा डस्ट करना है। ये केक टिन रेडी हो गया है। ये मैंने लिया है 1 कप मैदा, उसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ली है। अब इसे मिलाना है चॉकलेट वाले मिक्सचर में। इसमें डालना है 1 चम्मच दूध। ये रेडी हो गया है चॉकलेट केक बैटर। अब इसे डालना है केक टिन में। टैप करना है। अब केक टिन को रखना है प्री हीटेड कढ़ाई में। इसे बनने में 35 to 40 मिनट्स लगते हैं। 40 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं केक पूरी तरह से रेडी हो गया है। इसे टूथपिक से चेक कर लेते हैं। ये केक पूरी तरह से रेडी है। अब इसे पूरी तरह ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद केक को एक प्लेट में निकाल देना है। ये एगलेस चॉकलेट केक है। इसे हमने बनाया है बिना कोको पाउडर के, बिना ओवन के। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल के भी खा सकते हैं। आइए केक को अब काटते हैं। ये बन गया है चॉकलेट केक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।